नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज है सुपर संडे। जी हाँ साथियों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। मेरे चैनल के हर सदस्य को रोशनी के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामना। साथियों, आज का अध्याय एक बार फिर से विंडोज मूवी मेकर से संबंधित है। आइए विंडोज मूवी मेकर के इस प्लेलिस्ट में एक और अध्याय को जोड़ते हैं। जी हाँ साथियों, पिछले सप्ताह आपने एक प्रोजेक्ट बनाना सीखा और उसको सेव करना सीखा। अब उसको ओपन कर उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेजेस या जो वीडियोस है उसकी इमेजेस की ड्यूरेशन को किस तरह से हम सेट करें कि ये इतने सेकंड के लिए हमारे टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल हो, तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा और इस अध्याय में बने रहें। आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट को ओपन कैसे किया जाता है। पिछले सप्ताह की वीडियो में आपने देखा भी होगा और पर मैं फिर भी एक प्रोजेक्ट आपको ओपन करके दिखाऊंगा। सेम प्रोजेक्ट जो पिछली बार हमने बनाया था उसको मैंने सेव कर लिया था। अब उसमें इमेजेस की ड्यूरेशन कैसे सेट होगी, कौन सी इमेजेस कितने टाइम के लिए हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल हो, वो सब चीज़ें हम सेट करना सीखेंगे। साथियों, ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन करने के लिए ऑल्ट एफ ओ करना है। फाइल मेन्यू में जाकर ओपन, ऑल्ट एफ मेन्यू, न्यू प्रोजेक्ट ई, सॉरी ओ, leaving menus, open project dialog, file name colon edit combo, set the value, use the arrow keys or type the value, alt plus n. अब यहां से preview में जाकर वो project open कर लेंगे। Items view list box read only, the custom office, control post, preview, local disk left parent C colon D, level 1, desktop D, downloads left D, documents left parent pinned right parent not checked, enter. Shell folder view, items view list box read only, the move to NY, soundtrack, my movie. ये रहा वो project my movie, इसको enter से open करेंगे। मैंने किया क्या है, मैंने preview में आया, मैंने document choose करा। Preview, documents left parent pinned right parent not checked, 3 of 8, the move through or expand item view, the arrow keys. अब यहाँ पर एक बार tab press करेंगे। Shell folder view, list box my movie. ये मेरा फोकस जो है वो माई मूवी पर ही है और हम इस पर एंटर करेंगे। Enter. Unavailable. Multi-select list box banner.jpg. ये साथियों banner.jpg हमारी मूवी की जो फर्स्ट फोटो है वो है, ठीक है। इसमें चार फोटोज अवेलेबल है। मैं राइटर से आपको पहले फोटोज दिखा देता हूँ। Channel banner.jpg. img-20200509-1014.jpg. img-20200509-1015.jpg. ठीक है, तो ये चार फोटोज है। अब banner.jpg banner.jpg ये पहली फोटो है। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो यहाँ पर है। मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूंगा। Change thumbnail slider zoom out button, the slider zoom time scale left right slider 59.16, the increase or decrease use the arrow keys, slider zoom and button to act, preview full screen, preview scrub slider left right slider 0.00, the increase play button, next frame, multi select list box banner.jpg, change thumbnail slider zoom up, slider zoom time scale left right slider 59.16, the increase 59.16 आ रहा है टाइम। यहाँ पर हम स्वाइप करेंगे, सॉरी अप डाउन एरो से टाइम को बढ़ाएंगे। 67.16, ये मैंने पहले का सेट कर दिया है। 75.67.16, एंटर।
ठीक है, ये ड्यूरेशन सेट हो स्लाइडर ज़ूम एंड बटन स्लाइडर ज़ूम टाइम स्केल लेफ्ट राइट स्लाइडर 67.16 स्लाइडर ज़ूम आउट चेंज थंबनेल मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स बैनर .jpg। अब बात करते हैं चैनल बैनर वाले फोटो चैनल बैनर .jpg। ठीक है, राइट एरो किया, ठीक है, अगला फोटो सेलेक्ट हो गया और यहाँ से टैप करेंगे चेंज स्लाइडर ज़ूम टाइम स्केल लेफ्ट राइट स्लाइडर 67.16 द इंक्रीज और डिक्रीज यूज द एरो कीज। अरे अब देखिए सभी में 67 दिखा रहा है, अरे बाय डिफॉल्ट हुआ है, मतलब ये सभी पे आ गया है। अब इस फोटो को हम इसकी ड्यूरेशन कम कैसे करें? स्लाइडर चेंज थंबनेल साइज बटन बट मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स चैनल बैनर .jpg टू मूव टू एन आइटम प्रेस द एरो कीज। बोल्ट दबाते हैं। अपर रिबन यूआई रिबन डॉट टॉप रिबन 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 टैब टैब होम टैब सिलेक्टेड 1 of 7 द चेंज। तो जी हां साथियों, आप इस तरह से यहां से टाइम घटा और बढ़ा सकते हो, अपने ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से अप डाउन एरो से, ठीक है। बाकी जितनी भी आपकी ड्यूरेशन होगी वो आप उस हिसाब से अपनी फोटोज को सेट करके प्रीव्यू ले सकते हो। तो इस तरह से आप प्रीव्यू लोगे, और अब प्रीव्यू कैसे लेना है, ठीक है, ये है। अब हम एक काम करेंगे 51.1 59.16 ये 59.16 मैंने 51.16 तो एंटर कर देंगे हम एंटर। अब ये क्या है, ड्यूरेशन सेट हो गई है। अब इसको प्रीव्यू लेने के लिए टैप दबाएंगे स्लाइडर ज़ूम एंड बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार प्रीव्यू फुल स्क्रीन बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार स्पेस। इस तरह से आप प्रीव्यू लेकर अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो और टाइम और ड्यूरेशन सेट कर सकते हो अपने अलग अलग फोटोज और वीडियोस, मतलब फोटोज पर इस तरह से आप टाइम एंड ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। बाकी आप इसको सेव भी कर escape, सकते हो। तो वो सेव वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले किसी अध्याय में बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक चीज और, एनिमेशन टैब में आप ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो, वो आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे होगा। Not selected img-2z home banner.jpg इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन में चलेंगे ओल्ड ए से older upper ribbon ui ribbon lower ribbon animations ribbon tab transitions toolbar more trans space more transitions no transition diagonals, bow tie back, dissolves, bars, patterns and shapes, checker, reveals, flip grid, the move, slide down gap grid, shatter, reveals, slide, shatter, sweeps and curls, map, swipe, cinematic, contemporary, none, no transition, diagonals, bow, dissolves, patterns and shapes, reveals, slide down gap grid, enter, leaving menus, leaving ribbons, multi-select list box banner.jpg to move to an item, press it, change the slider zoom and button, preview full screen space. साथियों यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो जो मैंने प्रीव्यू ली है उसके अंदर क्या हो रहा है, फोटो बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रही है। मैं दोबारा हाँ, फोटो कैसे आ रही है, पहले फोटो नहीं आएगी, पहले म्यूजिक चलेगा, फिर एकदम फोटो पूरे स्क्रीन पर जैसे हम
पटाखा फोड़ते हैं उस तरह से बड़े खिलते हुए, सूरज जैसे एकदम दिखता है ना उगता आप उगता हुआ, उस तरह से बड़े अच्छे तरीके से फोटो शो हो रही है स्पेस। क्या बात है साथियों, मजा आ गया इसको सेट करने के बाद मुझे। तो आप इस तरह से अलग अलग ड्यूरेशन मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हो अपने अलग अलग फोटोज पर। तो आइए एक बार किसी ड्यूरेशन के साथ साथ ट्रांजेक्शन किसी और फोटो पर लगा के देखते हैं। IMG-IM channel banner.jpg चैनल बैनर पर फोटो वो लगाते हैं। Selected. Older, upper ribbon, lower ribbon, animation, ribbon tag, transitions, toolbar, more transitions, choose a transit space, more diagonal, scope, none, note, diagonal, dissolve, spark, patterns and shape, dissolve, patterns and enter, more transitions, button drop down grid at pop up, 1 of 3, press. ठीक है, अब तीसरी अगली फोटो पर भी IMG-2020, selected, upper ribbon, UA, older. Escape, leaving menus, leaving rib, IMG-channel banner, selected, all the upper ribbon, lower ribbon, animation, ribbon tap, apply to all, more transition space, more diagonals, book, dissolve, spark, patterns and shake, reveal, flip grid, leaving menus, leaving ribbons, not selected banner.jpg. A first photo par hoon main, aur ek baar preview lekar dekhenge. Change, slider zoom, preview, full screen space. तो साथियों इतना ही नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन और इमेजेस में ट्रांजैक्शन और ड्यूरेशन ऐड हो चुकी है बड़े अच्छे तरीके से। तो हाँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हो, आपके लिए देखने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को मूवी मेकर के प्रोजेक्ट को इतने ही भाग को सेव कर दूंगा और आप उसको अपने फ़ोन में देख सकते हो। पर आप कहाँ से देखोगे, बात यह है, मैं इसको अपनी ऑडियो के बाद वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो साथियों आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को एंजॉय करना और मुझे बताना कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ।